पीएम मोदी के खिलाफ धरने पर बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मचा भारी बवाल। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही है, जिसके चलते विपक्ष से लेकर जनता तक भाजपा सरकार पर हमलावर है, लेकिन मोदी सरकार महंगाई पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि ये महंगाई देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मध्यम वर्ग के लोग बहुत मुश्किल से मजदूरी करके कुछ पैसे कमा पाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा महंगाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए ये वीडियो। उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10-20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जो पेट्रोल की। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने ट्वीट में लिखा, राजनाथ सिंह जी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से गरीबों को होने वाले नुकसान के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं। मोदी जो कि खुद को गरीबों के दुखों का भागीदार होने का दावा करते हैं, को इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। अमित मिश्रा नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 16/9/2011 को पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के प्रभाव समझाते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी, अब यही बात आप वर्तमान प्रधानमंत्री जी को समझा सकें तो जनता का भला हो जाए। इसके साथ ही एक यूजर ने राजनाथ सिंह की धरना प्रदर्शन के समय की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, मोदी जी के पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाए जाने से नाराज होकर राजनाथ सिंह जी मोदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए। हालांकि आपको बता दें कि वायरल हो रही राजनाथ सिंह की ये वीडियो और तस्वीर यूपीए सरकार के समय की है, जब तत्काल मनमोहन सरकार ने मात्र कुछ रुपयों की बढ़ोतरी की थी। उस समय राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे सत्ता में बैठे दिग्गज भाजपाई सड़कों पर धरना देते नजर आए थे, लेकिन आज वही भाजपाई चुप्पी साधे बैठे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। न्यूज डेस्क से अंजलि सिंह की रिपोर्ट।